तो आज आधारशिला रखी जाएगी जेवर एयरपोर्ट की, लेकिन इससे पहले कौन कौन से एयरपोर्ट मौजूद हैं उसकी जानकारी भी हम आपको दे दें। लखनऊ एयरपोर्ट जो कि पहले से मौजूद है, वाराणसी एयरपोर्ट जो कि पहले से मौजूद है, इसकी सुविधा लोगों को मिल रही है। कुशीनगर एयरपोर्ट उद्घाटन हो चुका है। अयोध्या एयरपोर्ट जिस पर काम जारी है, और जेवर एयरपोर्ट आज जिसका शिलान्यास होने जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी आधारशिला रखेंगे। और कनेक्टिविटी कैसे इससे बढ़ेगी ये भी हम आपको अब बता देते हैं। देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे से ये जुड़ेगा, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी इसकी होगी। इसके साथ ही साथ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो कि कनेक्टिविटी इसके साथ होगी, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल, ये तमाम कनेक्टिविटी बढ़ेंगी, जिससे सीधे यात्रियों को फायदा होगा। जो यहाँ से सफर करेंगे उनके लिए ये बहुत फायदेमंद साबित होगा, और इसीलिए इसे बड़ी सौगात के रूप में देखा भी जा रहा है, क्योंकि इससे कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। और सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि पश्चिम यूपी के तौर पर अगर आप देखें, पश्चिम यूपी के लिहाज से देखें, तो पश्चिम यूपी का काया पलट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये दावा किया जा रहा है। सीधे रुख करेंगे, वीरेश पांडे जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो से। वीरेश जी, अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, इस बात की जानकारी मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, तस्वीरें दिखाइए और विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, क्षमता नहीं है हमारी कि मैं तस्वीरों को दिखा सकूं, क्योंकि बैंडविड्थ और तकनीकी खामियों की वजह से मैं कुछ दूरी पर हूं, लेकिन मैं अपनी आंखों से देख जरूर पा रहा हूं, सुन पा रहा हूं। एम्बियंस ये है कि लगभग 2.5 लाख की जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री, और इस सभा को देखकर न केवल मुख्यमंत्री उत्साहित हैं, बल्कि इसकी सूचना विभाग को लखनऊ तक पहुंच गई है। वहां से भी वीडियो आ रहे हैं कि देखिए, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लगभग 2.5 लाख लोग वहां मौजूद हैं, और मोदी मोदी और योगी योगी के नारे लगाए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, इस सच को मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि मैं सवेरे 7 बजे से यहां पर हूं जेवर पर। जेवर में उस सभा स्थल पर मिलने वाली हर वो सड़क भरी हुई, हर जगह ट्रैक्टर ट्राली से, बसों से, गाड़ियों से, बसों के अलावा मैं कहूं तो छोटी छोटी गाड़ियों से, मोटरसाइकिल से, और महिलाएं पैदल चलकर वहां पहुंच रही हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी तैयारी की है, और उसका कारण भी है। कारण ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन जो पिछले 1 साल से चल रहा है, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों की एक तरह से खाट खड़ी हो गई। उन्हें ये समझ में नहीं आया कि आखिर 2022 के चुनाव में क्या होगा। किसान आंदोलन जिस कदर जा रहा है, किसान बिल वापस लेने के बाद भी आंदोलन चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार एक बड़ी सौगात पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देने जा रहे हैं। ये सौगात केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिहाज से बड़ी नहीं है, बल्कि इस देश के लिहाज से बड़ी है, क्योंकि संसार का 4था बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है, गौतम बुद्ध नगर में बनने जा रहा है, और एशिया का नंबर वन यानी चाइना से भी बड़ा एयरपोर्ट हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में, देश के सबसे निर्णायक प्रदेश में बनने जा रहा है। लगभग 75 साल से उपेक्षित उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है, और बीमारू स्टेट का दर्जा प्राप्त कर गया। आजादी के बाद यह हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश बीमारू स्टेट नहीं था, बल्कि विकसित स्टेट था, और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जब एक थे, और बहुत समय तक, लगभग 2 दशक तक उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य था, लेकिन धीरे धीरे ये बीमारू स्टेट हो गया। बस बिहार और मस मध्य प्रदेश, रस राजस्थान और उसे उत्तर प्रदेश बीमारू। आपको यूपीएससी में पढ़ाया जाने लगा, आपको परीक्षाओं में पढ़ाया जाने लगा कि बीमारू स्टेट कौन कौन से हैं। मैंने पढ़ा है, इसलिए मैं बता रहा हूं उस बीमारू स्टेट कौन कौन से हैं। तो हम लोग लिखते थे बस बिहार, मस मध्य प्रदेश, रस राजस्थान, उसे उत्तर प्रदेश। इस टैग को हटाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीमारू से उत्तर प्रदेश को उत्तम और सर्वोत्तम प्रदेश बनाया जाना चाहिए, इसकी मांग बहुत दिनों से चल रही थी, जनता की आकांक्षा। देश का सबसे निर्णायक प्रदेश, सबसे ज्यादा वोट करने वाले, सबसे ज्यादा यहां से प्रधानमंत्री देने वाला प्रदेश रहा है, लेकिन उपेक्षित रहा है। और विकास की गंगा से, गंगा जरूर बहती है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में, लेकिन विकास की गंगा से महरूम रहा। और 21वीं सदी में जिस तरीके से अब काम करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी कर रही है, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का विकास होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। राजनीति चरम पर है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन
जिस तरीके से आगे बढ़ा, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों के पसीने छूट गए कि आखिर क्या होगा। किसान बिल को वापस लेना पड़ा, किसान बिल को प्रधानमंत्री ने माफी मांगकर वापस लिया और वापस लेने के बाद ये बड़ी सभा करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के वो सबसे बड़े नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री होने के नाते इसलिए उनका ये दायित्व बनता है कि जिस कर्म भूमि से वो सांसद हैं वहां पर तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी का वो कमल खिला पाए। अगर वो नहीं खिला पाएंगे तो उनसे तमाम तरह के सवाल होंगे। उनकी जब वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हुए तो अपेक्षित जो जिस तरीके से परिणाम चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को, उससे ज्यादा बड़ा परिणाम 2014 के लोकसभा में आया। 2017 में भारतीय जनता पार्टी के लोग सोच नहीं सकते थे कि उनके और उनके गठबंधन को 325 सीटें मिलेंगी। मैं सुनील बंसल जी के पास बैठा था जब रिजल्ट निकल रहा था भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, ये भी सीट निकल गई, बहुत आश्चर्यजनक करने वाली बहुत सारी सीटें निकल गई और भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई 325 के प्रचंड बहुमत के साथ। तो दायित्व तो बनता है प्रधानमंत्री का कि जो हिचकोले खा रही है भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके से आंदोलन चला, बात कही कि इससे सियासत भी शुरू हो चुकी है। तो देखिए, प्रियंका गांधी ने पहले ट्वीट किया और अब अखिलेश यादव का भी ट्वीट आ गया है। पहले मैं ट्वीट पढ़ती हूँ और उसके बाद मैं आपके पास लौटती हूँ। देखिए, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि अनुमति केंद्र की भाजपा सरकार ने रोकी ना होती तो इस समय जेवर के चूड़ियों को भी जुड़ने का मौका मिलता और उत्तर प्रदेश का श्रृंगार पूर्णता की ओर बढ़ता। ये उन्होंने ट्वीट किया है, सपा ही देगी उत्तर प्रदेश के विकास को नई उड़ान और हैशटैग 22 में बाईसाइकिल, ये उन्होंने हैशटैग किया है। विदेशी, देखिए सीधे तौर पर